please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. करीब एक महीने से पुलिस से लुका छिपी खेल रही राम रहीम की राजधार हनीप्रीत ने दावा किया कि वो कानून से भाग नहीं रही थी। अब न्याय के लिए ही वो सामने आई है। हरियाणा पुलिस देर रात तक हनीप्रीत से पूछताछ करती रही। करीब 1:15 बजे हनीप्रीत और उसके साथी सुखदीप कौर को अस्पताल में मेडिकल उसका करवाया गया, जिसके बाद हनीप्रीत को वापस पुलिस स्टेशन लाया गया। हनीप्रीत को खाने में रोटी सब्जी चावल दिया गया, लेकिन उसने नाम मात्र का ही खाना खाया। हनीप्रीत ने पूरी रात लॉकअप में जाकर गुजारी। यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया गया है हनीप्रीत, जो सामने देख सकते हैं कि हनीप्रीत कुछ कहना चाहेंगे आप, आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, साइड हो जाओ। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा के बीच उनको मेडिकल के लिए लाया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी मीडिया से कहने के साफ मना कर दिया। आरोप लग रहे हैं आपको, बेगुनाह ये तेरे पे जो आरोप लग रहा है ये आप कहाँ छुप रहे थे बताइए, कहाँ छुप रहे थे? मैं अपना न्याय आई। साफ तौर पर हनीप्रीत ने हालांकि ये कुछ कहा है कि यहाँ पर वो बिल्कुल निर्दोष हैं और कोशिश की गई उनकी सब बात करने की कि उन पर जो दोष लगे हैं, जो एलिगेशन लगे हैं वो आखिर झूठे हैं, लेकिन उन्होंने चलते चलते बात जरूर कही है कि वो निर्दोष हैं और कानून का पर विश्वास रखती हैं और अपने कानून का जो है वो सहारा करेंगे। पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी गुरमीत राम रहीम की राजधार हनीप्रीत जांच में मदद नहीं कर रही। पंचकुला पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि हनीप्रीत बहुत सी जानकारी नहीं दे रही। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हनीप्रीत पिछले कुछ दिनों से बठिंडा में छुपी हुई थी। हनीप्रीत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा पुलिस दोपहर 2 बजे हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट में पेश करेगी, साथ ही उसे रिमांड पर लेने की अर्जी भी देगी। मंगलवार को हनीप्रीत को गिरफ्तार करने के बाद हरियाणा पुलिस उसे पंचकुला के चांदी मंदिर पुलिस स्टेशन पर लाई थी। थाने में उससे पंचकुला हिंसा समेत कई मामलों में पूछताछ की गई। हनीप्रीत से पूछताछ का एक वीडियो भी सामने आया। पूछताछ के अंदर शुरू के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक वो नहीं बोल रही है। हम इसको कोर्ट के अंदर जब पेश करेंगे उसके बाद रिमांड भी लिया जाएगा। 38 दिनों की आंख मिचोली के बाद आखिरकार पंचकुला पुलिस ने हनीप्रीत को ढूंढ ही लिया। जी हां, आपको बता दें कि हनीप्रीत को रात भर पंचकुला के इसी सेक्टर 23 के चंडी मंदिर थाने में रखा गया और रात भर उससे पूछताछ भी की। और आपको बता दें कि रात भर हनीप्रीत कहती रही कि मैं बेगुनाह हूँ। हनीप्रीत से जो भी सवाल किए गए उनमें ज्यादातर सवालों के जवाब में लगातार हनीप्रीत ये कहती नजर आई कि वह बेगुनाह है और उसके पापा भी बेगुनाह हैं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में 2 रुपए घटाने का फैसला किया। ये कटौती आज से लागू हो गई। फैसले की जानकारी वित्त मंत्रालय ने ट्वीट से दी, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मूल उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। उत्पाद शुल्क में ये कटौती 4 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। आम लोगों के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि ईंधन की कीमतों में पिछले 3 महीने से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस कटौती से पहले दिल्ली में पेट्रोल 68 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल 56 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था। हालांकि एक्साइज ड्यूटी घटाने से सरकारी खजाने पर सालाना 26,000 करोड़ रुपए का भार भी पड़ जाएगा। अभी 2 रुपए कम होने से काफी राहत हमें मिलेगी। इतने महीनों से महंगाई सुना है, पहली बार सुना है कि सस्ता हो रहा है। इतने महंगा करके फिर 2 रुपए घटाना, फिर 10 रुपए बढ़ा देते हैं, तो इसको घटाना घटाना नहीं हुआ। फैसला ठीक है उनका, तो आपको लगता है कि हमारे का सभी के लिए हित में है? ये अभी 2 बढ़ाई ने 2 कम की ने, उसके बाद 4-6 दिन के बाद 3 रुपए बढ़ा देंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से अमेठी में 3 दिन के दौरे पर है। अमेठी दौरे के पहले दिन राहुल गांधी सबसे पहले उन किसानों से मुलाकात करेंगे जिनके घर NH-56 के चौड़ीकरण के दौरान तोड़ दिए गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अमेठी दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी का जनता दर्शन का भी कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि इस दौरान राहुल केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे। केरल में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जन रक्षा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। ये पैदल यात्रा केरल के किचेरी से कन्नूर तक जाएगी। पदयात्रा के कन्नूर पहुंचने पर सीएम योगी यहां एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। जनसभा के बाद सीएम मंगलोर में योगेश्वर मठ के लिए निकल जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी का गठन करने वाले नारायण राणे ने एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए। मंगलवार को नारायण राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नारायण राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें एनडीए में शामिल होने का न्यौता दिया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 दिन का वक्त मांगा। सोच विचार के बाद वो इस पर फैसला करेंगे। कुछ दिन पहले ही नारायण राणे ने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से एक नई पार्टी का गठन किया था और अब उन्होंने एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है।